टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज हम देखेंगे कि ये राउंड नेक में सिंपल पाइपिंग आसान तरीके से कैसे बनाते हैं और उसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो आज मैं आपको दो तरीके अलग अलग सिंपल पाइपिंग लगाने के दिखाऊंगा। तो ये दो ब्लाउज अलग अलग है तो उसमें दोनों में हमने राउंड नेक कटिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले ये पाइपिंग करने के लिए आप अगर बिना अस्तर का ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज आपका, तो ब्लाउज के कपड़े का ही पाइपिंग करेंगे तो बराबर बैठ जाएगा। लेकिन अस्तर वाले ब्लाउज में क्या होता है कि ये कपड़ा बहुत ही पतला साड़ी का होता है, तो आप अगर सीख रहे हैं तो ये कपड़े से पाइपिंग बैठानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या आप करें कि जो लेस हो इसमें स्लीव्स में या साड़ी में दूसरा कपड़ा हो उसका कॉन्ट्रास्ट कपड़े की आप पाइपिंग करेंगे और कॉटन कपड़ा यूज़ करेंगे पाइपिंग में तो अच्छी पाइपिंग बैठ जाएगी। और ऐसा कपड़ा यूज़ करें कि जिसमें से यहाँ से धागे कम निकलते हो तो वो अच्छी बैठती है और धागे निकलने वाले में थोड़ा सा फिनिशिंग कम आता है। तो मैं आपको ये दोनों में गोल्डन कलर है मेरे पास उसमें से पाइपिंग लगाना बताऊँगा, क्योंकि गोल्डन धागे में थोड़े थोड़े धागे निकलेंगे, बहुत नहीं निकलते हैं, फिर भी मैं उनमें आपको दिखाता हूँ। तो ये गोल्डन कपड़ा है और इसमें अब हमें क्या करना है कि इसको पहले उरेब कटिंग करना है पूरा एकदम क्रॉस। तो पूरा क्रॉस कैसे है वो कैसे पता करें, तो ये यहाँ से या इस तरफ से कोई भी एक साइड से, मतलब ये दोनों साइड या 90 डिग्री का कॉर्नर बनेगा, मतलब एकदम ये वाला जो पार्ट होगा वो प्योर एकदम ही क्रॉस इसमें होगा। आप ऐसे ये पूरा स्क्वायर बनाएंगे इधर से ये कपड़े का, तो ये वाला पार्ट अपने आप ही एकदम जितना हो सकेगा उतना उरे भी होगा। तो इसको पहले कटिंग कर लेना है ऐसे उरेब में, और गले में जितनी आपको पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। देखिए ऐसे, ये मैंने अभी ये 1.5 इंच के आसपास है ये पट्टी चौड़ी, मैं आपको अभी नाप के दिखाता हूँ। तो ऐसे जितनी पट्टी चाहिए उतनी पट्टी कटिंग कर लेनी है। देखिए ये 1.5 इंच के आसपास की है, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड चौड़ी हो गई है, तो आप थोड़ा सा व्यवस्थित पहले 1.5 इंच की कटिंग करें और बाद में वो गले में लगाने के बाद जितनी ज़रूरत हो उतनी रखें, बाकी दूसरी कटिंग कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसी पट्टियाँ कटिंग करके उसमें पहले हम यहाँ से क्रॉस में जॉइंट लगा लेते हैं। और ये जो पट्टी होती है क्रॉस जो पाइपिंग की, उसमें हमेशा ये ऐसे क्रॉस जॉइंट ही लगाए आप, ऐसे सीधा करके, ऐसे सीधा जॉइंट नहीं लगाए तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाता है। इसके लिए ऐसे ये क्रॉस वाला जॉइंट लगाएंगे तो ही अच्छा बैठेगा। ये जॉइंट लग जाने के बाद वे क्या करना है कि इस जॉइंट को यहाँ से अंदर से खोल के एक नाखून लगा देना है, तो कपड़ा अंदर से ज़्यादा मोटा नहीं होगा और एकदम अच्छा रहेगा। ये इसको बिना खोले भी कोई भी एक साइड रख के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाता है। तो ये मैंने तो कपड़ा ज़्यादा था तो ये दो जॉइंट ही लगाए हैं और ये दो जॉइंट में से ये दोनों हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये वाली पट्टी जो उरेब है उसको ऐसे थोड़ा सा खींच लेना है, तो जितनी लंबी होनी होगी वो अपने आप ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये कम ज़्यादा हो गई है ना। तो ये उरेब पट्टी खींचने के बाद थोड़ी सी ये कम हो जाती है चौड़ाई इसकी, तो इसको पहले ऐसे खींच लेना है तो ये अपने आप ही जितनी लंबी होनी होगी उतनी हो जाएगी। उसके बाद अब हमें इसको ब्लाउज पीस पे लगाना है। तो सबसे पहले ये यहाँ से हम गले से लगाना स्टार्ट करेंगे इसको। अब एक बात खास ध्यान देनी है कि जब पाइपिंग बनाते हैं हम
तो ये जो पाइपिंग का एक बार तो हमने खींच लिया, लेकिन लगाते टाइम भी खींच के ही लगानी है, एकदम जरा से भी लूज नहीं रखनी है, और इतना खींचना है कि यहाँ पे नीचे क्रीज नहीं आ जाए। वो थोड़ी बहुत आएगी तो वो प्रेस में चली जाएगी, लेकिन ज़्यादा क्रीज आए उतना नहीं खींचना है। लेकिन ये उरेप कपड़ा होता है तो अपने आप ही ज़्यादा नीचे क्रीज नहीं आएगी, फिर भी ध्यान देना है, एकदम ज़्यादा नहीं खींच लेना है। देखिए ये हमने ये एकदम हल्की हल्की क्रीज दिख रही है, ऐसे खींच के लगाई है तो ये पाइपिंग अपने आप इस साइड मुड़ गई है, पाइपिंग का कपड़ा। अब हमें देख लेना है कि यहाँ पे हमारी सिलाई एक जैसी आई है तो बराबर है, अगर कहीं कम ज़्यादा आई तो अंदर का कपड़ा ज़्यादा रखना नहीं है और कटिंग कर देना है। और इसमें हम जो सिंपल पट्टी लगाते हैं गले में, उसमें यहाँ पे जो राउंड होता है अंदर उसमें कट लगाते हैं, लेकिन जब पाइपिंग बनानी हो तो यह राउंड में कहीं पे भी कट नहीं लगाना है। अब हमें इसको एक बार यहाँ से नाखून लगा के इसको मोड़ के देख लेना है कि ये बराबर होगा कि नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत थोड़ा सा अभी पाइपिंग का कपड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अब हमें इसको कटिंग कर देना है। समझिए ये अभी एक इंच जितना दिख रहा है, और कहीं से को चौड़ा कम है कहीं से ज़्यादा है, तो एक ही जितना चौड़ाई रख के इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए ये इतना रखा है मैंने, ये पौना इंच है, पौना इंच रख के पूरा ये कटिंग कर देना है। तो ये पूरा कपड़ा कटिंग देखिए हो गया है, पौना इंच ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो जॉइंट है हमने ये लगाया है, वो जॉइंट का कपड़ा इसी साइड रहना चाहिए। आप चाहे तो पहले से ये बाहर से नाखून भी लगा सकते हैं, ये पाइपिंग के कपड़े की साइड ये रहना चाहिए। और उसके बाद ये जो कपड़ा है वो जहाँ पे हमारी ये सिलाई लगी हुई है वहाँ तक इसको इतना मोड़ देना है, और उसके बाद वापस इसको ऐसा फोल्ड कर देना है तो ये अंदर से कवर हो जाएगा। और यहाँ पे एकदम ही कम, मतलब पतली पाइपिंग आपको करनी है तो इतना एकदम ही कम कपड़ा दिखना चाहिए। और ये पाइपिंग का जो जॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है वो गोल्डन कपड़े के बाजू में ये यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो सिलाई भी नहीं दिखेगी पाइपिंग की, वो बाहर से ज़्यादा सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो इसको पूरे को ही देखिए सिलाई तक मोड़ते जाएंगे कपड़ा, और फिर उसको वापस से डबल फोल्ड कर देंगे। और पीछे से भी देख लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। और जब हम पाइपिंग करें तो पहले से लेके लास्ट तक जितना मोड़ा है उतना ही, एक जितना ही मोड़ना चाहिए, तो पाइपिंग एक जैसी दिखेगी नहीं, तो थोड़ी सी पतली मोटी ऐसी अलग अलग दिख सकती है। तो ये पूरे में ऐसे ही बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये राउंड गले में एक बराबर एकदम अच्छे से पाइपिंग बैठ गई है, और प्रेस लगाने के बाद एकदम और बैठेगी। कभी कभार क्या होता है कि ये पाइपिंग लगाने से ये शोल्डर यहाँ से ऐसे तिरछा ऊपर ऐसे हो जाता है लंबा थोड़ा सा, अगर ऐसा हो जाए आपसे तो यहाँ से आप थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबा कपड़ा खींच जाता है, इसके लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको वापस से अपना शेप दे दे। तो ये एक तरीका हो गया पाइपिंग लगाने का। अब मैं थोड़ा सा आसान तरीका दिखाता हूँ। आप देखिए पीछे से भी एकदम फिनिशिंग आ गया है, कहीं से भी कुछ धागे नहीं निकल रहे। तो ये एक तरीका है, तो इसमें एक सिलाई कम लगती है। अब दूसरा तरीका दिखाता हूँ, उसमें एक सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। इसमें भी ये पाइपिंग का कपड़ा लगाने तक का सब सेम ही है, तो उसमें हमने जैसे ये कपड़ा लगाया था गले पर वैसे ही इसमें लगा देना है। तो ये कपड़ा लगाने के बाद थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अलग है। तो देखिए इसमें भी हमने जो पहले में लगाया था वैसे ही लगा लिया, लेकिन अब इसमें पहले कटिंग नहीं करना है, ये जो पाइपिंग का कपड़ा है उसको। तो क्या करना है, इसको पहले ब्लाउज पीस को उल्टा कर देना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से एक बार नाखून लगा ले, नए नए सीख रहे हैं तो
और थोड़ा सा हाथ बैठ गया है तो, और नाखून, लेकिन नाखून लगाएंगे तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि ये जॉइंट, तो ये इसी को इस साइड ही रखना है जॉइंट को। तो अब ये कपड़ा जो है हमें वो मोड़ देना है, इतना बाहर से इतना दिखना चाहिए, ये 1/2 इंच ही होगा, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, लेकिन अगर देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे अंदाजा नहीं आएगा तो यहाँ से सीधी साइड से भी आप लगा सकते हैं। ये कपड़ा इसी साइड रहना चाहिए जॉइंट का, और यहाँ से आप देखिए 1/2 इंच जितना है। अब हमें क्या करना है कि इसके मिडल में सिलाई नहीं लेनी है, मिडल से थोड़ा सा इस साइड सिलाई लेनी है ताकि वो हमें बाहर नहीं दिखे पाइपिंग बनने के बाद। देखिए ये इतना कपड़ा रख के, और ये हम सिलाई इतना कपड़ा रख के लेंगे तो उसमें पाइपिंग के कपड़े में भी सिलाई आ जाएगी, और वो जो अंदर ये ब्लाउज पीस का जॉइंट का कपड़ा है उसके ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए। दोनों में सिलाई आएगी तभी पाइपिंग बराबर बैठेगी। देखिए अब ये हम यहाँ से दिखेंगे तो ये वाला कपड़ा भी अंदर कवर हो गया है, तो इसके ऊपर भी सिलाई, ब्लाउज के पीस के कपड़े के ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए, और ये दोनों के ऊपर सिलाई आ जानी चाहिए। वैसे ही ये पूरे में ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमारी पूरी गले में लग गई है। देखिए अब ये सिलाई लग जाने के बाद हमें इसको भी कटिंग कर देना है, और ये सिलाई हमने अंदर की जो है ये वाली दिख रही है अंदर रेड कपड़े में, वहां तक का कपड़ा रखना है ऐसे, क्योंकि ये कवर होने वाला है, ऐसे हम दबाएंगे तो इतना कपड़ा रख के बाकी का पूरा कटिंग कर देना है। देखिए तो ये इतना कपड़ा हमने रख के, यहाँ जहाँ तक सिलाई है उतना कपड़ा रखा है, और बाकी का पूरा कटिंग कर दिया है। अब इसमें थोड़ा आसान रहेगा कि एक बार हमने इसको मोड़ दिया है ऑलरेडी, और बस अब इसको एक बार ही ऐसे मोड़ के डायरेक्ट उसमें हमने जहाँ सिलाई लगाई थी ये कपड़े के ऊपर और पाइपिंग के नज़दीक वहीं सिलाई लगा देनी है, तो ये भी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। और यह थोड़ा सीखने वालों के लिए आसान है, अगर इसमें हाथ बैठ गया तो आप दूसरी वाली तरीका जो पहले मैंने बताया वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गोल गले में, दूसरे गले में भी हमारी पाइपिंग अच्छे से बन के बैठ गई है। तो ये मैंने राउंड नेक में पाइपिंग बना के बताई है, अगर आपको दूसरे गले में भी करनी है, सीखनी है पाइपिंग, चौरस, पंचकोण, पान गला जैसे अलग अलग है, तो मुझे कमेंट करके वो बताइए, तो मैं उसका वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो बना दूंगा, नहीं तो ये बहुत ही आसान है उसमें भी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।